कहने में बड़ा कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अब बोली लगा के दलितों की हत्या होने लगी। यहाँ की जो घटना है वो बहुत डरावनी है। किस तरह से चैलेंज करके एक 22 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई, उसके माँ बाप ढूंढते फिरते रहे, थाने के संबंधित अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिसके कारण आज वो बेटा हमारे बीच में नहीं। और तो और जो आरोपी था उसको इतना समय मिला कि उसने आराम से सरेंडर कर दिया, पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये पुलिस का इतना बड़ा फेलियर उसके साथ, और वो सातिर इतना है जिसको जुनैल बताया जा रहा है, वो इतना सातिर है कि उसने 5 अन्य लोगों के नाम ले दिए कि ये मेरे साथी थे। बाद में पुलिस का जानकारी में अपनी जो कार्रवाई है अपनी जांच में मानना है कि वो 5 लोग उसमें नहीं थे, ये उसने किसी और मंशा से दिए। इसका मतलब वो एक सातिर अपराधी है जिसने सोच समझ के ये हत्या की है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और फास्टेस्ट कोर्ट में मुकदमा चले, और जितने भी ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदारी नहीं अपने कर्तव्य जिम्मेदारी निर्वहन नहीं किया, उन पर सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि और थानों में गरीबों की जो के साथ जुल्म हो रहा है वो जुल्म करने वाले लोगों पर कार्रवाई होना आसान हो जाए, सभी अधिकारियों को इसकी संदेश जाए। साथ साथ परिवार की हालत बड़ी कमज़ोर है तो हमने परिवार के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मांग की है, क्योंकि उनका जो यही कमाने वाला बच्चा था, इस बिटिया के भी 2 बच्चे हैं और उनके माँ बाप भी वृद्ध हो चुके हैं, इनके लिए भी हमने मांग की है और एक सरकारी नौकरी की हमने मांग की है, परिवार की सुरक्षा की। और साथ साथ उसमें जो संलिप्त और लोग हैं जिनका पुलिस द्वारा भी बताया गया कि और भी लोग उसमें शामिल हैं, उनकी भी उनको भी जो है जल्दी जल्दी जानकारी करके और उनको भी सख्त से सख्त सजा जो है मिले, उनको गिरफ्तार किया जाए और संरक्षण करने वाले अधिकारियों पे लापरवाह अधिकारियों पे कार्रवाई हो, ऐसी हमने मांग की है। इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं, जैसे एक मामला संज्ञान में आया है जो नशा मुक्ति केंद्र का है कि उसमें दूसरी हत्या हुए पीट पीट के हत्या की गई है उसमें भी, और कई ऐसे मामले जो यहाँ के SPRA को और यहाँ के SSP को और यहाँ के जिले के अधिकारियों को हमने बताए हैं। तमाम तरह से ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में गुंडों को खुली छूट मिल गई है कि वो कमज़ोर वर्ग के लोगों का जितना चाहे दमन करें और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम ये उम्मीद करते हैं आज की इस घटना के बाद, और ये जो हजारों हजारों लोग आज यहाँ अलीगढ़ में इकट्ठा हुए हैं, इनके आक्रोश को समझते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और सरकार इनका मजबूती संज्ञान लेगी, और अगर नहीं संज्ञान लेगी तो हमें अपने लोगों के संरक्षण के लिए एक बड़ा मोर्चा जो है जिले जिले वाइज निकालना पड़ेगा। हम किसी भी कीमत पर जुर्म जाते बर्दाश्त नहीं करेंगे और गुंडों को सजा मिले इसके लिए हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। हमारी ये मांग भी है कि लापरवाह अधिकारियों को चार्ज ना दिया जाए, गैर जिम्मेदार अधिकारियों को किसी भी कीमत से चार्ज ना दिया जाए और गुंडों की मदद करने वाले अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई की जाए। तब जाके मैं लोकसभा में भी और लोकसभा के बाहर भी आपको आश्वस्त करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के और देश के दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी, तमाम महिलाओं, किसानों, मजदूरों के मुद्दों को बड़ी मुखरता से हम पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर सड़क पे भी मजबूती से उठाएंगे और गुंडागर्दी करने वाले लोगों को किसी भी तरह के संरक्षण के बावजूद भी उनकी सही जगह भेजने के लिए पुरजोर ताकत से आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे। भले ही हम लोकसभा के सदस्य बन गए हों, लेकिन हम सड़क की संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब सत्ता तानाशाह हो जाएगी या सत्ता अहंकारी हो जाएगी तो सड़क का रास्ता ही गरीबों के न्याय के दरवाजे खोलेगी, ऐसा मेरा मानना है। भरोसा प्रशासन ने दिया उसे, अब आश्वस्त से धरना खत्म हो जाएगा क्या? देखिए पीड़ित परिवार, देखिए एक प्रोसीजर है और हमने प्रशासन से बात की है, वो कुर्सी पे हैं, ऑन चेयर होने के कारण उन्हीं को काम करना है। हम उनको पर्याप्त समय दे रहे हैं और हमने अपने लोगों को भी कह दिया है कि अगर इसके बावजूद भी लीपापोती हुई या हमारी बात को नहीं माना गया तो फिर हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। इस बार जो आंदोलन होगा वो अनिश्चितकालीन होगा और सबकी जानकारी में होगा, और वो आंदोलन पार्क में नहीं होगा, वो जिला मुख्यालय पर होगा, और DM साहब भी हमारे बराबर में वहीं बैठेंगे धूम में, जहाँ हमारा पीड़ित परिवार बैठेगा। अगर हमारे पीड़ित परिवार के आंसू निकलेंगे तो यहाँ के अधिकारियों का पसीना भी वहीं छूटेगा, इस बात का भी हम आश्वासन देते हैं। मैं स्पष्ट करता हूँ कि वो अनिश्चितकालीन आंदोलन हमारे नेतृत्व में ही होगा। अगर यहाँ का प्रशासन और यहाँ की पुलिस इसी तरह से
लापरवाही करेगी तो ये आंदोलन बहुत जल्द होगा। समाज को आह्वान आपने किया मजबूत करने के लिए, अब चुनाव होने वाले, भीम आर्मी किस तरीके से तैयारी? मैंने अपने लोगों से ये आग्रह किया है कि ये लोग भी बहुत मजबूत हैं, पहरेदार हैं और महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज इन्होंने अपनी शक्ति बल से ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अब ये किसी से झुकने वाले नहीं हैं और डरने वाले नहीं हैं। तो मैं मानता हूं कि आने वाले जो उपचुनाव है, जो खैर का प्रस्तावित उपचुनाव है 6 महीने के अंदर होना है, मैंने इनसे मांग भी की है कि सिर्फ झंडा और नारे से आगे बढ़ के अब ये उस विधानसभा की बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी तैयार कर लें और एक एक वोट भाईचारा बना के आज़ाद समाज पार्टी के समर्थन में लेकर आएँ। और जो आवाज़ जिस तरह इन्होंने दिल्ली में अपनी आवाज़ पहुँचाई है, तो अगले 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की असेंबली में भी इनकी एक मजबूत आवाज़ जानी चाहिए, जो यहाँ के कमजोर और हक वंचित समाज के लोगों से, यहाँ की सरकार से आँख में आँख डाल के सवाल पूछ रहे हैं। ये पार्टी का इशू है, मेरा इशू नहीं है। पार्टी के नेता खड़े हैं, मंत्री जी खड़े हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी और जिले के और मंडल के लोग, इनका फैसला मैं तो वर्क देखिए, मैं मानता हूँ यहाँ के जो SSP हैं, मैं उनको पहले से जानता हूँ, एक अच्छे अधिकारी हैं। मैं इनसे ये भी उम्मीद करता हूँ, उन्होंने मुझसे बताया है कि बहुत देर से मेरे संज्ञान में मामला आया, लेकिन उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि वो किसी भी तरह के दबाव को ना लेते हैं और ना इसी मामले में लेंगे। लेकिन अगर हमें कहीं, क्योंकि न्याय करने से ज़्यादा न्याय होना बहुत जरूरी है, दिखना बहुत जरूरी है, कहीं भी अगर हमें अपने स्तर पर लगा तो फिर हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं। प्रियंका गांधी बाई नॉट से चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्या कहेंगे आप? बधाई हो उनको।